नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी राजस्थान की दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं और हम खबर की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज द सुगम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लें ताकि आपको ऐसी तमाम खबरें मिलती रहें। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीद, बोले कल की बैठक में मिलेगी बड़ी सफलता। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है, 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 33वें दिन भी जारी है। किसानों का मानना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक वे अपने घर की ओर नहीं लौटेंगे। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने भी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा देकर आंदोलन को तेज करने की धमकी दे डाली है। इसी के साथ ही मंत्री को आश्वासन है कि कल की बैठक में बड़ी सफलता मिलने वाली है, यानी कि कल एक बैठक होने जा रही है जो किसानों और सरकार के बीच में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में बड़ा फैसला होने वाला है, मंत्री कैलाश चौधरी का मानना है। इससे अगली बड़ी खबर हमारे पास आई है, सरकार ने फिर से किसानों को बातचीत को लिए बुलाया है। 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली है ये बैठक। आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से सरकार फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला किया है और अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 30 नवंबर यानी दोपहर 2:30 पर दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया गया है, जहां किसानों और सरकार के बीच में बड़ी वार्ता होने वाली है। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार 3रे दिन शाहजहाँपुरा अपने समर्थकों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। डीजे पर समर्थकों के साथ संग झूम उठे सांसद हनुमान बेनीवाल, जमकर किया डांस। अगली बड़ी खबर मौसम चेतावनी को लेकर है, लगातार 3रे दिन आपको बता दें कि जो पारा है वो माइनस में चला गया है। फतेहपुर और माउंट आबू में माइनस में दर्ज, सीकर शुरू में एक रात में पारा 7 डिग्री नीचे आ गया है। बड़ी खबर राजस्थान में ये अब जो सर्दी का मौसम है वो लगातार जारी है, तेज़ सर्दी का दौर अब लागू होने वाला है, बर्फीली हवाएँ जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इधर मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि लगातार सर्दी का मौसम तेज़ और होने वाला है। ये थी बड़ी राजस्थान की खबरें और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।